और आगे का एजेंडा में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बड़ी छापेमारी हो रही है, पंजाब आम आदमी पार्टी तक अब दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच पहुंच चुकी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मोहाली से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं एमएलए कुलवंत सिंह, उन्हीं के ठिकानों पर ये छापेमारी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन कुमार इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं सचिन से अपडेट क्या है। सचिन जी, रोमाना इस वक्त मैं आप एमएलए हैं मोहाली से कुलवंत सिंह, उनके घर के बाहर हूं और अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम है। सुबह से ही यहां सच जो है चली हुई है, तमाम सुरक्षा के भी बंदोबस्त हैं। यहां मोहाली ये एरिया है जहां पे इनकी रिहायश है। तो इसमें समस्या ये है कि जो पंजाब की जो एक्साइज पॉलिसी है, जब आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आई थी उसके बाद एक्साइज पॉलिसी जो है उसको बदला गया था। आरोप ये हैं कि पंजाब की एक्साइज पॉलिसी जो है वो टेलर मेड है दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी की तरह, और इसमें पहले जो थोक विक्रेता होते थे लिकर के, शराब के, L1 लाइसेंसेज जिनको मिलते थे वो ज़्यादा होते थे, तकरीबन 90 के करीब ये L1 लाइसेंसेज जो है पंजाब में दिए जाते थे। पर जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो उस पॉलिसी को, एक्साइज पॉलिसी को जो है चेंज किया गया और अब यहां पंजाब में 7 के करीब जो है L1 लाइसेंसेस धारक हैं। तो आरोप ये लगे थे लिकर ट्रेडर्स की तरफ से भी और पॉलिटिकल अपोजिशन की तरफ से भी कि मोनोपोलिस्टिक जो है कब्जा जो है पंजाब का जो लिकर ट्रेड है उसके ऊपर आम आदमी पार्टी पंजाब में करना चाह रही है। और आरोप ये भी लगे थे कि दिल्ली की फर्म्स हैं, जिन फर्म्स का दिल्ली में स्टेक है, जिन फर्म्स के ऊपर लिकर एक्साइज पॉलिसी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, पंजाब आबकारी नीति को लेकर भी इस वक्त आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। मोहाली से पार्टी के एमएलए कुलवंत सिंह उनके घर पर मौजूद, इस वक्त ईडी और जांच चल रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।